Hello friends, I am Dipesh Gehlot. We are running a revision series of 12th class English, RVSE. Now, today we are going to start our new point, and that is what? The seven ages of a man. The seven ages of a man, ek insaan ki saat avastha hai. Ye kiski dwara likhi gayi hai? William Shakespeare. So, let's start. First stage kaun si hai? Infant. Second is schoolboy. Third one, lover. Fourth, soldier. Fifth, justice. Sixth, slippered pantaloon. Seventh, second childishness. Now we are going towards our poem. हम एक-एक को आराम से डिस्कस करेंगे. इन्फेंट का मतलब होता है छोटा सा बालक जो पैदा होता है, जो न्यू बेबी बॉर्न होता है ना, वो जिसको हम शिशु भी बोल सकते हैं. गॉट इट, शिशु. नेक्स्ट, अब शिशु की जो विशेषताएं होती है, जो फीचर्स होते हैं, हमें वो याद करना है. अब शिशु क्या करता है, इन्फेंट क्या करता है, न्यूली बेबी बॉर्न क्या करता है, बॉर्न बेबी क्या करता है, क्राइंग, वो रोता है, एंड वॉमिटिंग इन नर्स. नर्स का मतलब यहाँ पर कोई औरत नहीं, नर्स का मतलब है द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट न्यूली बॉर्न बेबी. तो यहाँ पर क्राइंग एंड वॉमिटिंग आपको याद रखना है. वो क्या करता है, रोता है, बिलखता है और उल्टियाँ करता है. पॉइंट में आपके वर्ड दिया हुआ है म्यूलिंग एंड पर्किंग इन नर्स आर्म. तो उनका मतलब यहाँ पर ये है. नेक्स्ट इज वॉट, स्कूल बॉय. कौन सा, स्कूल बॉय. यही होती है अपनी लाइफ की सेकेंड स्टेज. हम स्कूल जाते हैं लेकिन कभी भी मर्जी से नहीं जाते, हमें घर वाले अपने उठा के लेके जाते हैं. और वही यहाँ पर होगा, सेम चीज हियर. ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, शिकायतें करता होगा. सेंसिव, स्मॉल बैग. उसके पीछे कैसे बोल होता है, एकदम छोटा सा बैग होता है जिसमें किताबें बिल्कुल नहीं होती है, उसमें सिर्फ बिस्किट, उसके पानी की बोतल, उसके खेलने की चीजें और एक छोटी सी उसकी स्लेट होती है जो उसके कभी काम नहीं आती है. क्योंकि वो जब अपन छोटे होते तो वहाँ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम बिना इच्छा से जाते हैं. यही पॉइंट ने बताया है. आगे वो चलता कैसे है, स्नेह के जैसे. स्नेह लेने क्या होता है, घोंगा. एक्चुअली जो छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसको बहुत धीरे धीरे जो क्या करता है, मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्नेह. तो यहाँ पर पॉइंट ने छोटे से स्कूल बॉय को किससे कंपेयर किया है, स्नेह से. क्योंकि वो क्या करता है, क्रीपिंग करता है. यहाँ पर क्रीपिंग का मतलब क्या है, मूविंग स्लोली. मतलब क्या, यहाँ पर ये मूविंग स्लोली, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाता है, इसलिए उसको हम कवि ने किससे कंपेयर किया, स्नेह से. नेक्स्ट इज वॉट, अनविलिंगली. उसको स्कूल वाले अगेंस्ट फेस, मतलब उसकी इच्छा के बिना कहाँ भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं. नेक्स्ट इज वॉट, लवर. लवर कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज. अब इसके बारे में मैंने सिर्फ इतना सा ही लिखा है, क्योंकि लवर वाली स्टेज मेरे से ज्यादा आप सबको पता ही है. अब आपको पता ही, आप आगे देखना, आप शाइन लाइक फर्नेस, भट्टी के जैसे वो आगे बढ़ता है. डियर, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भट्टी के जैसे आगे बढ़ता है. नेक्स्ट इज वॉट, पैथेटिक लव सॉन्ग. उसके लिए दर्द भरे, दुख भरे और गीत गाता है. ब्यूटी ऑफ हिज बिलव, और वो जो अपनी प्रेमिका होती है उसकी सुंदरता में हमेशा खोया हुआ रहता है. उसकी सुंदरता के लिए गीत लिखता है और गीत गाता है. जो पॉइंट में बड़ा आया हुआ है वो है विद वॉफुल बैला. नेक्स्ट इज वॉट, सोल्जर. अब सोल्जर की एज में क्या बताया गया है, ऑफेंसिव वर्ड्स. सोल्जर टेकिंग स्ट्रेंज रोल्स, वो अलग अलग कई प्रकार की सौगंध लेता है. मतलब क्या हुआ, वो कई प्रकार की सौगंध लेता है. जैसे कि आप 14 फरवरी को हुआ भी, आपने भी देखा हमारे देश के सोल्जर्स के साथ क्या हुआ. बाय द वे बहुत दुखी घटना थी, हम सबको शहीदों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए. आते हैं, चलो इसी पर आते हैं. सोल्जर ऑफेंसिव वर्ड्स, डियर. वो दुश्मन को मारने के लिए हमेशा रेडी रहता है. शो एंगर, वो अपना गुस्सा जाहिर करता है. बियर्डेड लाइक पार्ट, डियर वो तेंदुए के जैसे दाढ़ी रखता है. मतलब डियर वो सजने सवरने में ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल सजने सवरने में ध्यान नहीं देता है. इसका जस्ट उल्टा, हम सब सजने सवरने पर ध्यान देता है, लेकिन वो किसके सजने सवरने पर ध्यान देता है, अपने देश के लिए. कि मेरा देश सजा हुआ होना चाहिए, मेरे देश में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे देश का हर बंदा शांति से सोना चाहिए. तब जाके वो नींद नहीं लेता है, पर आपने देखा भी है शहीद भी हुए. नेक्स्ट, सेंसिटिव, वायलेंट. और वो क्या होता है, उग्र होता है. किसके लिए, हमेशा लड़ाई के लिए वो उग्र रहता है. बबल रेपुटेशन, बस उसे चाहिए क्या, कोई रुपया पैसा बोनस सैलरी कमीशन उसको कुछ नहीं चाहिए. डियर उसको सिर्फ चाहिए क्या, बबल रेपुटेशन. क्या चाहिए उसे, बबल रेपुटेशन. बबल रेपुटेशन का मतलब ये है मोमेंटरी रेपुटेशन. अगर उसे आप थोड़ी सी भी इज्जत दो दोगे, वो अपने बॉडी को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहता है. अ सोल्जर विल बी ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज बॉडी फॉर हिज कंट्री इफ यू आर गिविंग हिम
a small amount of respect. Next is what? Cannon, Lord Harrington. Cannon का मतलब होता है तोप. Dear, अगर आप उसे तोप के मुंह के सामने भी खड़ा कर दोगे तो भी वो नहीं घबराएगा. He will not afraid with standing before a cannon. Dear, से आप तोप के आगे भी खड़ा कर दो मतलब वो प्राणों की आहुति देने के लिए वहां पर रेडी है. He is ready to sacrifice his body for his nation. Next is what? Justice. Justice का मतलब होता है जज. जस्टिस का मतलब होता है जज. डियर, जज की स्पेलिंग है JUDGE, जो कि हम लाइफ में आजकल सब करते हैं. जजमेंट, जल्दी से किसी के बारे में भी जजमेंट दे दी. जस्टिस, राउंड बेली. अब उसका पेट कैसा आ चुका होता है? ये बाहर आ चुका होता है. नेक्स्ट इज व्हाट? कैपन. कैपन का मतलब होता है घोड़े से मुर्गे का मांस. एक्चुअली कैपन का मतलब यहाँ पर ड्राइव. रिश्वत. क्या है यहाँ पर? रिश्वत. यहाँ पर ऐसा माना है शेक्सपियर ने कि जब कोई बंदा अपना कोई केस सॉल्व करवाना होता है तो वो जज को क्या देता है? ब्राइब देता है. और ऐसे इस प्रकार से उसके द्वारा अपने जीवन काल में इन हिज लाइफ टाइम व्हेन ही टेक्स ब्राइब देन हिज बेली बिकम्स राउंड. तो उसका पेट क्या हो जाता है? गोल होता जाता है. इस प्रकार से उसने ब्राइब ले लेकर के अपने आप को पूरा भ्रष्टाचारी बना दिया है. नेक्स्ट इज वॉट? स्ट्रिक्ट आइज. उसके आइज कैसे कैसे होती है? स्ट्रिक्ट आइज होती है. फॉर्मल कट. डियर, वो बियर्ड कैसे रखता है? फॉर्मल कट रखता है. नेक्स्ट इज व्हाट? वाइज सोर्स. एंड देयर विल बी ऑलवेज ट्रेमेंडस, ऑलवेज सो मेनी इंस्टेंसेस, मॉडर्न इंस्टेंसेस, वाइज सोर्स एट हिज फिंगर टिप्स. डियर, उसके हमेशा हाथों के जबान के ऊपर, कहने का मतलब हमेशा उसके मुहावरे डायलॉग्स रहेंगे. जैसे कि होता है कि नहीं, अब जैसे मेरी क्लास में कोई बच्चे होते हैं जो बीच में बोल देते हैं हाँ सर ये होता है, जबकि उसको पूछा ही नहीं है. तो हम भी नॉर्मली ऐसे बोलते ही हैं, अधचल गगरी छलकत जाए, मतलब हाफ नॉलेज इज डेंजरस. और कोई बच्चा है जब उसको सवाल पूछा था तो उसने आंसर दिया नहीं, फिर बाद में वो एकदम सोच समझ के जवाब देता है. क्यों? क्योंकि दूध का जला चास भी फूक फूक कर देता है. तो यहाँ पर उसके हमेशा मुंह पर हमेशा डायलॉग रेडी रहते हैं. नेक्स्ट इज वॉट? स्लीपर पेंटालून. स्लीपर पेंटालून मतलब क्या होता है? स्लीपर पहने हुए मुकर, यानी मजाक किया इंसान. पाउच. डियर, उसकी आंखों के नीचे पाउच मतलब ये आंखें अब धरी गई, धर नीचे आ गई, कहने का मतलब आंखों के नीचे सर्कल्स आ गए हैं. होज, जो उसके मोजे हैं. चाइल्डिश ट्रेबल वीक वॉइस, कहने का मतलब इस एज में बताया गया है कि जब इंसान छठी एज में आता है तो उसकी उम्र एकदम ढलने शुरू हो जाती है और उसकी आंखें कमजोर हो जाती है. उसके जो मोजे हैं अब वो बहुत बड़े हो गए हैं और उसकी जो पहले मर्दों वाली आवाज़ थी बहुत ही दमकम वाली आवाज़ थी, अब वो चाइल्ड ट्रेबल वाली पाइप मतलब जो एकदम पतली आवाज़ होती है जब कोई बच्चा छोटा होता है 4 साल का 5 साल का, उसके जैसे उसकी आवाज़ हो जाती है. इन शॉर्ट वे से वीक वॉइस. उसकी वॉइस कैसे हो जाती है? हिज मैनली वॉइस टर्न्स इनटू वीक वॉइस. लास्ट, ये कौन सी स्टेज है? लास्ट, सेकेंड चाइल्डनेस. इसके बारे में कवि ने बोला है स्ट्रेंज इवेंट पुलिस्ट, मतलब ये जो दुनिया में आप जी रहे थे इतनी बड़ी जिंदगी, छोटे से बालक के रूप में आप पैदा हुए, फिर आप स्कूल गए, लवर बने, दिस दैट, और इस प्रकार से आपने पूरी जिंदगी बिताई और ये आपने जिंदगी का ग्रैंड फिनाले हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है? मेयर ऑफ इंडिया मीन्स वॉट? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी. इस उम्र में डियर आपको कुछ भी याद नहीं है. कुछ भी का मतलब कौन सी चीज कहाँ रखी है? जैसे मैंने ये मार्कर यहाँ रख दिया तो मैं भूल गया मैंने मार्कर कहाँ रखा है, मैंने अपनी पेन कहाँ रखी है, मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी है. उसको टेस्ट का ध्यान नहीं रखता. लास्ट की लाइनें हैं सेंस टेस्ट, सेंस टेस्ट, सेंस आइज एंड सेंस एवरीथिंग. उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता है. नेक्स्ट इज वॉट? ये कौन सा सीन है? लास्ट सीन है. और इस प्रकार से एक इंसान अपने जीवन की 7 अवस्थाएं पूरी करता है. Now we will repeat. First कौन सी थी? Infant. Second school boy. Third one lover. Fourth soldier. Fifth justice. Sixth sleeper pantaloon. Seventh second childishness. अब जो आपके 2018 के क्वेश्चन नंबर 18 में बी वाला क्वेश्चन आया था, What does the man do in the fifth span of life? दो नंबर का क्वेश्चन था ये. इसमें क्या पूछा गया है कि एक इंसान अपने 5वीं अवस्था में क्या करता है? अब आपके सामने आंसर है, A man. The man do the justice role in his fifth span of life and in that span his belly becomes round and his eyes becomes straight and he always gives modern instances, wise source and he keep formal cut beard. इस प्रकार से आपको जिस एक एक स्टेज को याद रखना है और उसके फीचर्स को याद रखना है. किसको याद रखना है डियर?
फीचर्स को याद रखना है, इस पॉइंट से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब अगर आपके इसमें कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।